हेलो गाइस, वेलकम टू मिथेलो लेक्चर्स। जैसे कि हमारा सब्जेक्ट चल रहा है लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और इस सब्जेक्ट में आज हम क्वेश्चन कर रहे हैं राजा नंद कुमार का केस। ये काफी जो हमने पटना केस किया है उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट ये वाला केस है, राजा नंद कुमार केस। इसे जुडिशियल मर्डर केस भी बोला जाता है। द ट्रायल टुक प्लेस इन द ईयर 1775 एंड दैट अपीयर्स टू बी द कॉल्यूजन बिटवीन द गवर्नर जनरल वारन हास्टिंग एंड चीफ जस्टिस ऑफ कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट एलिजे इम्पे, हु वर वेरी क्लोज फ्रेंड्स ऑफ ईच अदर। यहाँ पे बताया गया है कि जो ट्रायल चला वो 1775 ईस्वी में चला, और उसमें मिली भगत थी गवर्नर जनरल वारन हास्टिंग की और चीफ जस्टिस ऑफ कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट एलिजे इम्पे की, जो कि ये दोनों काफी क्लोज फ्रेंड्स थे। इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट डिड नॉट एक्ट विद क्लीन हैंड्स। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने, मतलब बोल सकते हैं कि, सही का साथ नहीं दिया, साफ साफ हाथों से साथ में काम नहीं किया, ये बोल सकते हैं। राजा नंद कुमार रेजिडेंट ऑफ बंगाल वॉज नॉट हैविंग गुड रिलेशंस विद वारन हास्टिंग। तो जो राजा नंद कुमार थे वो बंगाल के रहने वाले थे और उनके अच्छे रिलेशंस नहीं थे वारन हास्टिंग के साथ। ही चार्ज टू वारन हास्टिंग ऑफ करप्ट प्रैक्टिस बिफोर द मेंबर ऑफ इट्स काउंसिल। तो जो वारन हास्टिंग को उन्होंने, मतलब वारन हास्टिंग पे चार्जेस लगाए करप्शन के काउंसिल ऑफ मेंबर्स के सामने। दैट वारन हास्टिंग टुक द ब्राइब फ्रॉम हिंदू विडो एंड वारन हास्टिंग लेफ्ट द हाउस इन एंगर। तो जो राजा नंद कुमार ने वारन हास्टिंग पे चार्जेस लगाए कि उसने एक हिंदू विडो से ब्राइब लिए, रिश्वत ली है, तो वारन हास्टिंग ने जब ये बात सुनी वो गुस्से में वहां से चला गया। बट थ्री मेंबर्स ऑफ इट्स काउंसिल हु वर नॉट हैविंग गुड रिलेशंस विद द गवर्नर जनरल, बट जो वारन हास्टिंग के मेंबर्स थे उनमें तीन मेंबर्स ऐसे थे काउंसिल के जिनके, मतलब गुड रिलेशंस नहीं थे गवर्नर जनरल के साथ। एंड दे आस्क्ड द राजा नंद कुमार टू प्रूव द चार्जेस अगेंस्ट वारन हास्टिंग। तो उन्होंने राजा नंद कुमार को बोला कि प्रूव कीजिए चार्जेस जो आप वारन हास्टिंग के अगेंस्ट लगा रहे हैं, ये किस बिना पे आप प्रूव ये चार्जेस उन पे लगा रहे हैं, इसको प्रूव करिए। दीज चार्जेस वर दैट। तो जो राजा नंद कुमार ने जो चार्जेस लगाए थे वारन हास्टिंग पे, ये बताए गए हैं। एज गवर्नर ही टुक द ब्राइब ऑफ रुपीज 1,04,105 रुपीज फॉर अपॉइंटिंग गुरा दास एज अ दीवान। तो इसमें ये बताया गया है कि गवर्नर रहते हुए जो वारन हास्टिंग है उसने ब्राइब ली, मतलब रिश्वत ली, 1,04,105 रुपए गुरादास कोई पर्सन का नाम है, गुरादास को एज अ दीवान अपॉइंट करने के लिए। एंड फ्रॉम मुन्नी बेगम ₹2,50,000 पर अपॉइंटिंग हर गार्डियन ऑफ द माइनर नवाब मुबारक दोला। यहाँ पे ये बताया गया कि मुन्नी बेगम से भी उसने रिश्वत ली वारनास सिंह ने, 2,50,000 रुपए, ताकि उसको, मतलब, गार्डियन अपॉइंट किया जा सके जो कि माइनर है के नवाब मुबारक दोला का, कि मतलब नवाब मुबारक दोला जो है वो एक माइनर चिल्ड्रन है जो मुन्नी बेगम है उसका गार्डियन बनना चाहती थी, इसलिए उसने 2,50,000 रिश्वत दी वारन हास्टिंग को ताकि वो उसको उसका गार्डियन बना सके। कंप्लेंट वॉज मेड ऑन 13 मार्च 1775 एंड ऑन द सेम डे मेंबर्स ऑफ द काउंसिल डिस्कस द कंप्लेंट। जो कंप्लेंट है वो 13 मार्च 1775 ईस्वी में की गई थी और सेम डे में ही काउंसिल ने इस कंप्लेंट को डिस्कस किया। राजा नंद कुमार प्रोड्यूस्ड वाउचर्स सपोर्टिंग हिज चार्जेस अगेंस्ट वारन हास्टिंग एंड द मैटर वाज रिपोर्टेड टू ईस्ट इंडिया कंपनी। तो राजा नंद कुमार जो है उन्होंने ये वाउचर्स वगैरह प्रोड्यूस किए जिससे वो जो चार्जेस लगाए थे वारन हास्टिंग पे उनको, मतलब, चार्जेस को सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स वगैरह अटैच किए ताकि वो चार्जेस को प्रूव किया जा सके। एंड द मैटर वॉज रिपोर्टेड टू ईस्ट इंडिया कंपनी, और सारा का सारा मैटर ईस्ट इंडिया कंपनी को भी बताया, रिपोर्ट किया। एंड वारन हास्टिंग वॉज आस्क्ड टू डिपॉजिट द अमाउंट इन द ट्रेजरी ऑफ द कंपनी। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उन्होंने वारन हास्टिंग को बोला कि जो भी अमाउंट वगैरह तुमने ली है ब्राइब के तौर पे, रिश्वत के तौर पे, वो अमाउंट कंपनी की ट्रेजरी में जमा करवा दो। फ्यू डेज लेटर राजा नंद कुमार वाज अरेस्टेड फॉर द कॉन्स्पिरेसी विद एंड फॉर्जरी। बट कुछ दिनों बाद जो राजा नंद कुमार है उसको अरेस्ट कर लिया गया साजिश के तौर पे, साजिश के, मतलब, बिना पे, साजिश के जुर्म पे, या उसने कोई धोखाधड़ी करी है इस बिना पे। द चार्जेस ऑफ कॉन्स्पिरेसी वॉज ड्रॉप्ड बट फॉर द चार्ज ऑफ फॉर्जरी ही वॉज प्रोसिक्यूटेड। बट जो चार्जेस थे कॉन्स्पिरेसी के उससे तो राजा नंद कुमार, मतलब, बच गए एक तरीके से, बट जो फॉर्जरी के चार्जेस थे उसकी, फॉर्जरी के चार्जेस की वजह से उसको, मतलब, सजा हो गई राजा नंद कुमार को।
The charge of forgery against Raja Anand Kumar came in the Supreme Court on May 1775 with respect to the bond and document. तो जो चार्ज लगाया गया था फोर्जरी का राजा नंद कुमार के अगेंस्ट, वो सुप्रीम कोर्ट में आया ये केस मई 1775 की ईस्वी में, और उसके साथ बॉन्ड और डॉक्यूमेंट अटैच किए गए। कंप्लेंट वॉज फाइल्ड बाय मोहनदास नाम के पर्सन ने कंप्लेंट फाइल की थी अगेंस्ट द राजा नंद कुमार। द ट्रायल बिगेन ऑन 8th जून 1775 एंड कंटिन्यूड फॉर अ पीरियड ऑफ 8 डेज विदाउट ब्रेक। तो जो ट्रायल है वो 8 जून 1775 ईस्वी में चला, जो कि कॉन्टिन्यूसली 8 दिन चलता रहा बिना ब्रेक के। ड्यूरिंग द ट्रायल द कोर्ट सेट एट 8 AM, तो जो कोर्ट की सिटिंग होती थी वो 8 AM को होती थी, मॉर्निंग के 8 बजे। एंड विटनेसेस वर एग्जामिन टिल लेट नाइट, और जो विटनेसेस वगैरह थे उनको एग्जामिन किया जा रहा था लेट नाइट तक। ऑब्जेक्शन वॉज टेकन दैट सिंस नंद कुमार वॉज रेजिडेंट ऑफ बंगाल एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता हैविंग नो जुरिसडिक्शन टू ट्राई द केस ऑफ नंद कुमार, तो ये ऑब्जेक्शन लगाई कि नंद कुमार की तरफ से कि वो एक रेजिडेंट बंगाल का रेजिडेंट है, बंगाल का रहने वाला है, तो जो सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता की है उनके पास तो जुरिसडिक्शन नहीं है नंद कुमार के केस को ट्राई करने की। नंद कुमार टुक द डिफेंस दैट सिंस ही वाज इंडियन एंड इंडियन लॉ शुड बी अप्लाई टू हिम, तो नंद कुमार ने डिफेंस लिया कि वो एक इंडियन है तो इस वजह से उस पर इंडियन लॉ को अप्लाई किया जाना चाहिए। बट सुप्रीम कोर्ट अप्लाइड इंग्लिश लॉ, बट सुप्रीम कोर्ट ने इंग्लिश लॉ अप्लाई किया। Witnesses examined by Nand Kumar were laymen and illiterate. तो जो भी मतलब witnesses वगैरह थे जिनको नंद कुमार के मतलब के लिए examine किया गया था witnesses को, वो एक layman थे और पढ़े लिखे नहीं थे। But they were cross examined in English. But उनको cross examine किया गया English language में and could not give proper answers. तो जिस वजह से proper answers वगैरह नहीं दे पाए नंद कुमार के favour में। नंद कुमार टुक द डिफेंस ऑफ एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ विच मीन्स दैट इवन अकॉर्डिंग टू इंग्लिश लॉ ऑन डेट ऑफ फॉर्जरी सेंटेंस वॉज नॉट डेथ सेंटेंस बट इट वॉज ऑल्सो रिजेक्टेड। बट नंद कुमार ने इस केस में क्या हुआ कि डिफेंस वगैरह लिया एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ का, किसका मतलब ये होता है कि जिस टाइम पे ये डेट जिस डेट को ये क्राइम वगैरह हुआ था, सब जो फॉर्जरी वगैरह अगर हुई थी जिस भी डेट को, तो उस डेट को इस क्राइम की फॉर्जरी की सजा डेथ सेंटेंस नहीं थी। बट उसका ये भी जो डिफेंस था ये भी रिजेक्ट कर दिया गया, ये भी पॉइंट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। नंद कुमार ऑल्सो फाइल्ड ऑन एप्लीकेशन टू द सुप्रीम कोर्ट, तो जो नंद कुमार है उसने एक और एप्लीकेशन, राजा नंद कुमार ने एक एप्लीकेशन फाइल की सुप्रीम कोर्ट में फॉर परमिशन टू फाइल एन अपील टू द किंग इन काउंसिल। परमिशन ले रहा था नंद कुमार सुप्रीम कोर्ट से कि वो अपील फाइल करने के लिए किंग इन काउंसिल में, बट एप्लीकेशन वॉज रिजेक्टेड विदाउट एनी रीजनेबल ग्राउंड। बट उसकी अपील के लिए भी जो एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी गई बिना किसी रीजनेबल ग्राउंड के, बिकॉज ना उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर थी कि उसकी मर्जी है सुप्रीम कोर्ट की कि वो अपील के लिए अलाउ करे या डिसअलाउ करे, वो सुप्रीम कोर्ट की मर्जी थी सिर्फ क्रिमिनल केसेस में, बट सिविल केसेस में उनको अलाउ करना जरूरी था। नंद कुमार वॉज गिवन डेथ सेंटेंस एंड वेरियस एफर्ट्स वर मेड टू सेव द लाइफ ऑफ नंद कुमार, तो जो नंद कुमार है उसको डेथ सेंटेंस की सजा दे दी गई और काफी एफर्ट्स वगैरह काफी प्रयास वगैरह किए गए उसकी लाइफ को बचाने के लिए, उस नंद कुमार को बचाने के लिए। नंद कुमार वॉज हैंग्ड ऑन 5th अगस्त 1775 एट 8 AM एट कुली बाजार नियर फोर्ट विलियम, तो जो नंद कुमार है उनको मतलब फांसी की सजा हो गई 5 अगस्त 1775 की ईस्वी में मॉर्निंग की 8 बजे, कुली बाजार वाला जो एरिया था वहां पे नियर फोर्ट विलियम के आसपास था कुली बाजार, वहां पे उनको मतलब हैंगिंग की सजा दी गई नंद कुमार को। सम स्पेशल फीचर्स ऑफ द ट्रायल, तो कुछ स्पेशल फीचर्स है जो इस ट्रायल के, इस केस के जो ट्रायल चला इस ट्रायल के। नंद कुमार वॉज प्रोसिक्यूटेड बिकॉज ही लेवल्ड द चार्जेस ऑफ द करप्शन अगेंस्ट द वाराणसी, जो नंद कुमार है उसको मतलब इसलिए प्रोसिक्यूट किया गया बिकॉज उसने वाराणसी के अगेंस्ट करप्शन के चार्जेस लगाए थे। द चीफ जस्टिस वॉज क्लोज फ्रेंड ऑफ वाराणसी, तो जो एमपी था वो क्या था कि मतलब चीफ जस्टिस था जो कि सुप्रीम कोर्ट का, वो वारन हास्टिंग का क्लोज फ्रेंड था, इस वजह से उन्होंने रेवेंस वगैरह ली राजा नंद कुमार से। आफ्टर द ट्रायल व्हेन नंद कुमार वाज हेल्ड गिल्टी, ट्रायल के बाद जब नंद कुमार को गिल्टी मतलब प्रूव हो गया नंद कुमार, ही फाइल्ड एन एप्लीकेशन बिफोर सुप्रीम कोर्ट फॉर परमिशन टू फाइल द अपील टू किंग इन काउंसिल, तो नंद कुमार ने एक एप्लीकेशन वगैरह लगाई सुप्रीम कोर्ट को परमिशन लेने के लिए कि क्या वो अपील वगैरह फाइल कर सकता है किंग इन काउंसिल में, बट सुप्रीम कोर्ट ने वो भी उसकी रिजेक्ट कर दी। बट विदाउट एनी कंसल्टेशन एप्लीकेशन वाज रिजेक्टेड, बिना किसी कंसल्टेशन के नंद कुमार ने जो एप्लीकेशन लगाई थी उसकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया।
सो इन दिस वे ट्रायल ऑफ नंद कुमार वॉज नॉट फेयर ट्रायल। तो इस वे से हम कह सकते हैं कि जो ट्रायल चला नंद कुमार का वो एक फेयर ट्रायल नहीं था, रेदर इट वॉज जुडिशियल मर्डर। तो इस वजह से ये बोला जाता है कि इस केस को कि हाँ ये जुडिशियल मर्डर ऑफ नंद राजा नंद कुमार केस भी बोला जाता है इस केस को। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाकी ये जो क्वेश्चन है राजा नंद कुमार और पटना केस, इन दोनों में से एक 99% आना ही आना है क्वेश्चन। सो ये दोनों केस एक बार प्रिपेयर जरूर कर देना, इजी है, कुछ टफ नहीं है इनमें।